श्राद्ध का भोजन सबसे पहले कौओं को क्यों खिलाया जाता है? और अगर कौए का न खिलाया जाए श्राद्ध का भोजन तो क्या होता है? जानिए इस रहस्य का कारण। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। स्वागत है दोस्तों आप लोगों को हमारे YouTube चैनल एपी सनातन हिंदू में। दोस्तों ये वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा क्योंकि बहुत ही अच्छा और रहस्यमय वीडियो है। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुँचे। दोस्तों चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए हम कहानी पर ध्यान देते हैं। दोस्तों रामायण में वर्णित एक प्रसंग है जो एक बार इंद्र का पुत्र जयंत कौवे का रूप धरकर माता सीता को परेशान कर रहा था और उनके पास जाकर उनके पैरों के अंगूठे पर चोंच से डंक मारता जिससे माता सीता का पैर लहू लुहान हो गया था। अचानक प्रभु श्री राम जी का नज़र माता सीता के पैर पर पड़ता है और कौवे का ये ढिठई ये दृश्य देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने गुस्सा हो गए और उन्होंने एक सीख को नीचे से उठाए और उसको बाण बनाकर अपने धनुष पर चढ़ाकर कौवे के पीछे छोड़ दिए। दोस्तों कौवे ने अपने जान बचाकर तीनों लोकों में भागने लगा। दोस्तों तीनों लोकों में घूम लेने के पश्चात भी कौवे का पीछा वार ने नहीं छोड़ा। अंत में कौवा यानी देवराज इंद्र का पुत्र जो कौवे का रूप में गया था वो अपने पिता देवराज इंद्र के पास गया और बोला कि हे पिताजी मेरी रक्षा कीजिए। दोस्तों देवराज इंद्र बोले कि दुष्ट तुमने प्रभु श्री रामचंद्र जी जो विष्णु के अवतार है और माता लक्ष्मी जो सीता के रूप में पृथ्वी पर जन्म लिए हैं उनसे बैर मोल लिया है, उनसे तुम बच नहीं सकते और तुम्हें कोई बचा नहीं सकता, सो तुम प्रभु श्री रामचंद्र जी के ही चरणों में जाओ और वहीं तुम्हें इस बार से रक्षा कर सकते हैं। दोस्तों जयंत कौवे ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में जा कर के अपने प्राणों की भिक्षा मांगने लगा। इस पर प्रभु श्री रामचंद्र जी बोले कि हे जयंत मेरे द्वारा छोड़े गए बार कभी निष्फल नहीं होते, सो तुमको कुछ तो कष्ट उठाना पड़ेगा जिससे तुम्हारी जान की रक्षा हो सके। तो मैं तुम्हारा एक आँख इस बार से फोड़ देता हूँ और एक आँख से तुम भूत भविष्य सब कुछ देख सकते हो। फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने एक आँख उनका फोड़ करके उसको छोड़ दिया। और एक दिन प्रभु श्री रामचंद्र जी कहीं जा रहे थे तो वहीं कौवा जयंत फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी को देख करके काँव काँव करने लगा। दोस्तों प्रभु श्री रामचंद्र जी बोले कि हे कौवे मैं तुमसे बहुत ही प्रसन्न हूँ, तुम कुछ मुझसे मांगो। इस पर कौवा बोला कि हे प्रभु मुझ पर आपकी कृपा बनी रहे, बस यही आपसे इच्छा है। दोस्तों प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कौवे का विनम्र भाव देख करके और अधिक प्रसन्न हो गए तो वो बोले कि हे कौवे जाओ तुमको मैं एक वरदान देता हूँ कि मृत्यु के भोज में सबसे पहले भोज तुमको प्राप्त किया जाएगा या श्राद्ध के समय में जो सबसे पहला भोज पदार्थ होता है या प्रसाद होता है वो सबसे पहले तुमको अर्पण किया जाएगा, क्योंकि जब तक तुम उस श्राद्ध के भोज को जूठा नहीं कर देते तब तक उस मृत व्यक्ति को कर्म फल की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। तो दोस्तों यही कारण है कि कौवे को श्राद्ध का सबसे पहला भोजन और प्रसाद दिया जाता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि प्रसंग आपको अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट अवश्य करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।